iPhone. ऐसा क्या है इस iPhone में जिसके लिए लोग घंटों लाइन में लग रहे हैं? Out of control lines, people waiting hours, even days. मैं कल दोपहर से आया हूँ 3 बजे से. 17 घंटे लाइन में रुका फर्स्ट iPhone लेने के लिए इंडिया के पहले Apple स्टोर से. और मैं खास अहमदाबाद से आया हूँ. इस स्टोर में लड़ाई कर रहे हैं. Things in LA even turning violent. Check out this brawl that Delhi ke Kamla Nagar market mein ek smartphone showroom mein jam kar jhagda. Aur kyun aaj India mein poor ke among se ye iPhone itna popular hai? Aaiye samajhte hain. शुरुआत होती है जब पहला आईफोन लॉन्च हुआ 29 जून 2007. स्टीव जॉब्स ने अपना रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट लॉन्च किया जो पूरे वर्ल्ड को बदलने वाला था. 2007 तक जहां पर फोन कुछ इस तरह दिखते थे, जहां पर कीबोर्ड का साइज स्क्रीन के साइज से भी बड़ा होता था. 2007 के टाइम पर ऐसा फोन जिसमें कीबोर्ड नहीं बल्कि फुल स्क्रीन होना बहुत ही रिवॉल्यूशनरी चीज थी. What we're gonna do is get rid of all these buttons and just make a giant screen. Giant screen. उस समय एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करना जिसमें 3 ऐसी एसेंशियल चीज हैं: a widescreen iPod with touch controls, a revolutionary mobile phone, and a breakthrough internet communications device. और लोगों का दिमाग तब खराब हुआ जब उनको पता चला कि ये 3 चीजें कोई 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स नहीं है, बल्कि these are not 3 separate devices. This is one device. इस लॉन्च के बाद लोग आईफोन के पीछे इतने पागल हो गए थे कि घंटों लाइन में वेट कर रहे थे. और बहुत से लोगों को ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह लगा. मिलिए इस लड़के से जिसने अपनी लाइन का फर्स्ट स्पॉट $800 में इस लेडी को बेचा. In line for 800 bucks. इस लॉन्च के बाद स्टीव जॉब को पता चल गया था कि आईफोन में बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है और ये सारे स्मार्टफोन ब्रांड्स को सरपास कर जाएगा. पर सोचने वाली बात तो ये है कि आईफोन में ऐसा है क्या जिसके एक्सपीरियंस के लिए एक ना एक बार तो लोग आईफोन बाय करते ही हैं. आईफोन की मार्केटिंग कुछ इस तरह की जाती है जिससे आईफोन का नाम सबकी जुबान पर बैठ गया है. जहाँ पर दूसरी कंपनीज अपने टेक्निकल एस्पेक्ट्स अपनी मार्केटिंग में डालती है, वहीं पर एप्पल अपनी मार्केटिंग में वही चीजें डालता है जो मैटर करती हैं. जैसे कैमरा को अपने लॉन्च के टाइम पर यूज करके दिखाना और फोटो आएगी कैसे और आईफोन का इन हैंड फील. इन हैंड फील से याद आया, आपने कभी सोचा है लोग दूसरे फोन्स के बॉक्सेस इतने संभाल के नहीं रखते जितने आईफोन के बॉक्सेस संभाल के रखते हैं? यू नो व्हाई? क्योंकि आईफोन के बॉक्स को डिजाइन ही कुछ इस तरह किया जाता है. अ सिंपल बॉक्स येट फील्स प्रीमियम, लेस क्लटर एंड इन प्योर ब्रांडिंग. अगर आपने कभी आईफोन का बॉक्स ओपन करा होगा तो आपको पता होगा कि आईफोन की अनबॉक्सिंग नेक्स्ट लेवल है. You know why? According to the book Inside Apple, he described Apple headquarters के packaging room में महीनों तक एक package designer different boxes design करता था. But क्यों? The goal was a box with the perfect drag and friction to introduce a tempting pause as you unveil your new iPhone. iPhone की unboxing और उसका in-hand feel बहुत ही शानदार है और इस बात से आप भी disagree नहीं करोगे. पर Apple ऐसा क्या करता है जिससे उसका iPhone premium लगता भी है और premium sound भी करता है? इसका एक ही जवाब है, वो है साइकोलॉजिकल प्राइसिंग. अदर देन अदर स्मार्टफोन ब्रांड्स जिसके फोन 2000 के भी आते हैं और 90,000 के भी आते हैं, उस ब्रांड को ड्राइवर भी यूज कर रहा है और मालिक भी यूज कर रहा है. पर बात करें अगर आईफोन की तो एप्पल यूज करता है साइकोलॉजिकल प्राइसिंग की, जो बड़े बड़े फैशन ब्रांड यूज करते हैं जिससे पता चलता है कि उनका ब्रांड एक लग्जरी ब्रांड है. आज के डेट में आईफोन का बेस मॉडल भी दूसरी कंपनी के फ्लैगशिप फोन जितना प्राइस करता है, जिसकी वजह से आईफोन बताना चाहता है कि वो एक प्रीमियम ब्रांड है और उसको वही अफोर्ड कर सकते हैं जो अमीर है और ज्यादा स्पेंड कर सकते हैं. और इस चीज के बढ़ते आईफोन ने ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ एक ऐसा गेम खेला जिसके बढ़ते आईफोन की स्टेटस सिंबल की तरह दिखने लगा. बिफोर जियो लॉन्च्ड, बिलीव मी और नॉट, आपको आईफोन लेने की इच्छा तभी होती थी जब आप किसी के हाथ में ये आईफोन देखते थे और तब आईफोन किसी बड़े बिजनेसमैन या किसी बड़े सेलिब्रिटी के पास ही होता था. बट आफ्टर जियो टुक द मार्केट इन इंडिया एंड इंट्रोड्यूस्ड फ्री इंटरनेट, आपको हर जगह आईफोन दिखने लगा. आपके फेवरेट सेलिब्रिटी के हाथ में, आपके फेवरेट एथलीट के हाथ में और यहाँ तक आपके फेवरेट इंसान के हाथ में, जिसको देखकर लोगों के अंदर आईफोन लेने की इच्छा और ज्यादा बढ़ने लगी. 2015 में जियो के लॉन्च के बाद आईफोन की सेल 76% ज्यादा हो गई. अब आईफोन सिर्फ आप फोन में नहीं
अपने आसपास भी देखने लगे। एक बार ये चार्ट देखो, इसमें आप देख सकते हो कि सेल्स में कितना इंक्रीज हुआ है। जहां पर 2015 में 1.8 मिलियन, 2016 में 2.5 मिलियन और 2017 में वॉपिंग 3.2 मिलियन आईफोन्स इंडिया में शिप हुए, और जिसकी वजह से हर जगह आपको आईफोन दिखने लगा। और यहाँ तक आपके फेवरेट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के हाथ में भी आईफोन दिखने लगा, जिसके चलते हम जैसे मिडिल क्लास और पुअर लोगों के दिमाग में एक पीयर प्रेशर डेवलप होने लगा। पीयर प्रेशर एक बार आईफोन चलाने का, पीयर प्रेशर एक बार आईफोन ओन करने का, पीयर प्रेशर एक बार दुनिया को बताने का कि आपके पास भी एक आईफोन है। बट डू आईफोन रियली डिफाइन योर सक्सेस? आईफोन की मेन टारगेट ऑडियंस टीयर वन सिटी के लोग थे, जो अच्छा कमाते हैं, जो अच्छी लाइफस्टाइल चाहते हैं, जो एक्चुअल में अमीर है। बट बिकॉज ऑफ दिस पीयर प्रेशर ये आईफोन एक सेंस ऑफ अचीवमेंट बन गया अमंगस्ट यूथ, और धीरे धीरे टीयर टू और टीयर थ्री सिटी के लोगों के बीच में भी पॉपुलर होने लगा। जहाँ पर टीयर वन सिटी के लोग न्यू आईफोन बाय करते थे, टीयर टू और टीयर थ्री सिटी के लोग, जिनके लिए आईफोन एक सपने की तरह था, सेकेंड हैंड मार्केट की वजह से उनका ये सपना भी पूरा होने लगा, और वो भी आईफोन का मजा उठा पा रहे थे। जहाँ पर पुराने एंड्रॉयड फोन 2 से 3 साल में लैग करने लगते थे, आईफोन ऑन दी अदर हैंड 4 से 5 साल आराम से चलता था, जिसकी वजह से सेकेंड हैंड मार्केट में आईफोन की डिमांड और ज्यादा बढ़ने लगी। बट द रियल प्रॉब्लम इज, आज के टाइम पर इंडिया का यूथ सेकेंड हैंड आईफोन से ज्यादा न्यू आईफोन लेना पसंद करता है, और वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि एक न्यू आईफोन का रेट 80,000 से लेकर 1,00,000 तक जाता है। और इंडिया में जहाँ 65% पॉपुलेशन यूथ है, जिनकी उम्र 35 साल से भी कम है, और इंडिया में महीने की एवरेज सैलरी 25 से 30 हज़ार रुपए है, वहां पर एक ऐसा फोन लेना जो आपके 3 से 4 महीने की सैलरी के बराबर हो, वो बेवकूफी है। पर अब आप ये पूछोगे कि जय नो कॉस्ट EMI का ऑप्शन भी तो अवेलेबल है। हाँ, नो कॉस्ट EMI का ऑप्शन अवेलेबल है, बट नो कॉस्ट EMI इज रियली नॉट एन नो कॉस्ट EMI, देयर इज सम कॉस्ट हिडन। आइए समझते हैं। iPhone 15 Pro 512 GB, जिसका प्राइस 1.5 लाख रुपए है, जिसके ऊपर देयर इज सम इंटरेस्ट टू बी चार्ज, बट बिकॉज इट्स अ नो कॉस्ट EMI, दैट इंटरेस्ट विल वर्क एज अ डिस्काउंट। एंड सपोज ये EMI आपने 12 महीने के लिए लिए, तो मंथली EMI विल बी अप्रॉक्स 13,000 रुपीज, जिसके बाद 18% GST लगेगा, डेट वुड बी अराउंड 3,782 रुपीज। और उसके बाद एक ऐसी चीज जो बहुत से लोग नेगलेक्ट कर देते हैं, और वो है प्रोसेसिंग फीस, जो कि 1% रहती है, करीब 1,500 रुपए के आसपास। तो टोटल जो आईफोन 1.5 लाख का पड़ रहा था, वो अब आपको 1,55,373 तक पड़ेगा। तो नो कॉस्ट EMI चूज करने के बाद भी करीब 5 से 6 हज़ार रुपए आपको ज्यादा ही देने पड़ते हैं। मैंने तो अभी आईफोन के वियर और टीयर कॉस्ट को जोड़ा भी नहीं है, जो उस 12 महीने की EMI के दौरान रहेगा। बट आफ्टर ऑल दिस ऑल्सो इंडिया का यूथ आईफोन के पीछे पागल हुआ है, क्योंकि जो स्टेटस सिम्बॉल और कोई चीज नहीं दे सकती, वो स्टेटस उसे एक आईफोन दे सकता है, उसे ऐसा लगता है। क्योंकि जिसके पास आज एक आईफोन है, उसको देखकर तो लोग ये बोलेंगे, इतने पैसे वाला है तो हाउ लकी यार आईफोन है। बट ये सच नहीं है, क्योंकि आज इंडिया में जितने भी आईफोन बिक रहे हैं, उनमें से 70% आईफोन EMI पर बिक रहे हैं, जिससे पता चलता है कि आईफोन एक जरूरत नहीं, एक इच्छा, एक सोशल स्टेटस का सिंबल है, जो उसको दुनिया को दिखाना है, जिसको देखकर उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, लोग उसकी बातें ज्यादा ध्यान से सुनेंगे, भले ही वो 1,00,000 का आईफोन लेने के लिए उसको कर्जा क्यों नहीं उठाना पड़े। और इस चीज का फायदा बड़े बड़े ब्रांड्स जैसे Amazon और Flipkart उठाते हैं। आईफोन को इस तरह से मार्केट किया जाता है, जिससे ज्यादा से ज्यादा इंसान उस आईफोन को खरीदने के लिए इन प्लेटफॉर्म पर जाए। हर साल सेल लगने पर न्यू आईफोन बाय करने की इच्छा, भले उसके लिए आपको 20 से 30 हज़ार रुपये और क्यों नहीं देने पड़े। बट इज दिस ऑल नेसेसरी? नहीं। दिल पर हाथ रख के एक बार ये सोचो, क्या तुम्हें उस 90,000-1,00,000 के फोन की जरूरत है? क्या जो काम तुम सोच रहे हो 1,00,000 के आईफोन में करने की, वो 20 से 30 हज़ार के फोन में नहीं हो सकता? और इसी आईफोन को सस्ते में पाने के चक्कर में वो ऐसे ऐसे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं, जहाँ उनको वादा किया जाता है कि उनको आईफोन बहुत ही कम प्राइस पर मिलेगा। बट वो रियली एक बहुत बड़ा स्कैम है, जहाँ पर आप आईफोन तो ऑर्डर करते हो और आईफोन का बॉक्स भी आपको मिलेगा, पर उसके अंदर आईफोन नहीं, एक ऐसी भारी चीज़ दे देंगे जिससे वो लगेगा कि वो एक आईफोन है।
और इसी के साथ तुम्हारे साथ एक बहुत बड़ा स्कैम हो जाता है, जिसकी वजह से आपका हार्ड अर्न मनी जो आपने अपनी खून पसीने की मेहनत से कमाया था वो एक आईफोन के लालच में सब डूब जाता है। मैं खुद एक टीयर 3 सिटी से आता हूँ और यहाँ पर स्टेटस सिंबल के लिए ऑटो वाले तक आईफोन यूज कर रहे हैं, भले ही वो 4 से 5 साल पुराना आईफोन क्यों नहीं हो, बट बिकॉज ऑफ सम सोशल क्रेडिबिलिटी वो लोग सेकेंड हैंड और थर्ड हैंड फोन तक यूज कर रहे हैं। मैंने खुद 5 साल आईफोन 11 चलाया और जब मैं उसको बदलने गया मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही थी कि मैं कोई एक ऐसा 1 लाख का फोन लूँ जिसको अब ऑटो वाला तक चलाने लगा है। आई वॉन्टेड अ फोन जिससे मेरे को कोई सोशल वैलिडेशन नहीं बल्कि मेरा काम हो सके। तब जाके मैंने ये एक 90,000 का सैमसंग S23 अल्ट्रा लिया। हाँ मेरे को पता है ये भी 90,000 का फोन है बट ये मेरे क्राइटेरिया में फिट करता है। और मेरी भी इंडिया के यूज से यही गुजारिश है कि एक ऐसा आईफोन लेने की बजाय जो आपके 2 से 4 महीने की इनकम के बराबर हो, एक ऐसा फोन लो जो तुम्हारे क्राइटेरिया में फिट हो, ना कि कोई एक ऐसा फोन जिसके लिए तुमको कर्जा उठाना पड़े ताकि तुम लोगों के सामने क्रेडिबल लग सको। आईफोन एक फोन ब्रांड है, वो तुमको क्रेडिबल नहीं बना सकता। तुम्हारी क्रेडिबिलिटी तब बढ़ेगी जब तुम खुद क्रेडिबल होगी। बी क्रेडिबल, बिकम अ ब्रांड योरसेल्फ।